सोनवा के सगरी दुकान ले बुका हो, सोनवा के सगरी दुकान ले बुका हो, बोला ए करे जा जान ले बुका हो, बोला ए करे जा जान ले बुका हो, यूपी में रहबू कि चलबू बिहार में, यूपी में रहबू कि चलबू बिहार में, ऐसे बतावा परान ले बुका हो, बोला ए करे जा तू जान ले बुका हो। अक्षरा जी जवाब दीजिए जल्दी से। Now it's your turn. कि काहे खिसी आई बड़ा परान ले बका हो, क्या बात है, बोला हमर करे जा जान। आने वाले हैं लॉकडाउन के बाद, एक दर्शक को सरप्राइज मिलने वाला, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहले सभी को आए प्रणाम, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि लॉकडाउन के बाद इतनी अच्छी स्टोरी, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट के साथ एक पिक्चर आ रही है जान ले बुका। जब नाम ही पिक्चर का ऐसा है तो पिक्चर में क्या क्या चीजें होंगी, और सबसे अच्छी चीज ये है प्रोड्यूसर जो है इसके श्री जी हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और वो एज ए प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे हैं, और डायरेक्टर जो है केडी जी हैं, नो डाउट बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो जब इनकी जोड़ी के साथ जब कोई पिक्चर आएगी तो ऑब्वियसली बात है बहुत ही अच्छी होगी, धमाकेदार होगी, कहानी अच्छी होगी, शूटिंग अच्छी होगी, क्योंकि जहाँ पे प्रोड्यूसर अच्छा होता है, डायरेक्टर अच्छा होता है, और स्टोरी अच्छी होती है, आर्टिस्ट इतने अच्छे होते हैं कि अक्षरा जी हैं, दिनेश जी हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि एक अच्छी पिक्चर हमारी ऑडियंस के सामने आएगी, और मैं बस यही शुभकामनाएं दूंगी पिक्चर को कि ये पिक्चर ऑडियंस को बहुत पसंद आए और उनकी उम्मीदों पर खरी उतरे, जो मुझे उम्मीद है कि हाँ खरी उतरेगी, क्योंकि जोड़ी सभी की बहुत अच्छी है, जहाँ तक है डायरेक्टर प्रोड्यूसर आर्टिस्ट, और ओमझा जो है उनका म्यूजिक है, जहाँ पे ओमझा का म्यूजिक आ जाता है तो बहुत ही अलग हो जाती है, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं इस पिक्चर में सभी लोग। तो बस मैं चाहूंगी जल्दी से पिक्चर कंप्लीट हो और हम लोग को देखने के लिए मिले। सुबीर शर्मा जी आपकी दोस्त हैं, अक्षरा जी और दिनेश जी की लगता है जान लेने वाले हैं, या दिनेश जी उसके लेने वाले हैं, तो आप बचाने के लिए बीच में टपकने वाली हैं? नहीं, मैं एडवांस में आपको हिंट दे रही हूँ, अब जब पिक्चर ये है जान ले बुका, तो अब कौन किसकी जान लेगा वो तो मुझे पता नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये सस्पेंस है कौन किसकी जान पे आएगा या लेगा या व्हाटएवर जो भी कुछ होगा, तो पिक्चर को देखने के बाद में पता चलेगा। और जहाँ तक बात अक्षरा जी की, दिनेश जी की, तो दोनों ही कौन किसके जाने का तो वक्त बताएगा। फिलहाल ये बताइए, फिल्म के डायरेक्टर केडी जी हैं, बहुत पुराने हैं और सीनियर डायरेक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, और इसलिए तो मैंने बोला कि पिक्चर बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी शूट होगी, क्योंकि डायरेक्टर इतने अच्छे हैं, प्रोड्यूसर इतने अच्छे हैं, तो डेफिनेटली पिक्चर तो कुछ धमाल करेगी। आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति, कुछ कहना चाहेंगे? हैप्पी हैप्पी मकर संक्रांति सभी को, और पीनी खाइए, स्वीट्स ज्यादा मत खाइए बट हाँ थोड़ी सी खाइए, पकोड़े खाइए, आज के दिन तो संक्रांति है, एंजॉय कीजिए, क्रांति आज क्रांति करिए, आज क्रांति मत कीजिए, संक्रांति सिर्फ संक्रांति। हाँ देखो पकोड़े मांगने शुरू हो गए, वो भी वो वाले दाल वाले बिल्कुल आने वाले है। एक पिक्चर जो बहुत जल्दी आएगी, सबसे पहले रिलीज होगी मेरी पिक्चरों में से, वो है सही अरब ले लेना, उसमें मैं हूँ, सारी जी हैं, काजल जी हैं, तो ये पिक्चर रिलीज होगी बहुत जल्दी, मे बी शायद मार्च में। तो आप अरब गई थी? अरब गई थी, हाँ मैं अरब ही गई थी, अरब में रह के भी आई हूँ, अरब और अरब नो डाउट वहाँ पे क्या चीजें होती हैं, कैसे चलती हैं, वो सब कुछ पिक्चर में है, तो काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर और भी बहुत सारी पिक्चर आ रही है। अब 2021 में फर्स्ट मूवी कौन सा हुआ जो शूट पे जा रहा है आपका? मेरी शायद श्री जी का पिक्चर ही होगा, अच्छा। ये वाली पिक्चर हो जाए कंप्लीट, उसके बाद में खिसारी जी होंगे। कंट्रोवर्सी हीरो आपका जिसे बता रहे हैं, जो अरब गिलेना है, उस पर और कुछ जानकारी बताएंगे? अरब गिलेना में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि जो यहाँ के होते हैं, इंडिया के लोग अरब में
जाते हैं, फंसते हैं, क्या क्या उनके साथ में उनके ऊपर आप बीती हुई चीजें होती हैं, वो इस पिक्चर में कहीं ना कहीं उसका भी अंश है दर्शाया जाएगा। और जहाँ तक बात है कहानी में लव, रोमांस, एंगल, ट्रायंगल, वो सब कुछ है इस पिक्चर में। थैंक यू सो मच टू ऑल।